आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड और आलू की ऐसी रेसिपी जिसमें आपको मिलेगा समोसा, पकौड़ा, ब्रेड रोल सबका स्वाद, और साथ में सबको पसंद आने वाला चीज। बनाना भी आसान है, तो चलिए बिना देरी किए हुए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। तो पैन में हम एक चम्मच के करीब सरसों तेल डालेंगे, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, और गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा आधा चम्मच, और आधा चम्मच हम डालेंगे राई। इन दोनों को चटकने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे एक दो पिंच के करीब हींग, इसको थोड़ा चला देंगे, और ये चटक चुका है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, 6 से 7 कली लहसुन है बारीक बारीक कटा हुआ, और लहसुन डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच के करीब अदरक, और ये हमारी 4 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, इसमें से आधा डाल देंगे, और इसको हम चलाएंगे थोड़ा। और उसके बाद ये हमने बड़े साइज का प्याज लिया है, इसमें से आधा डाल देंगे, आधा बचा लेंगे, और इसको भी थोड़ा सा चलाते हुए भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और ये हमारे 6-7 कड़ी पत्ते हैं, इसको हम बारीक बारीक काट के डाल देंगे, और फिर इसको हम थोड़ा चला लेंगे। और उसके बाद हम मसाले डालेंगे, तो आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 पैकेट मैगी मैजिक मसाला, और इसको भी चलाएंगे। मैगी मसाले की जगह पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और ये हमने 2 बड़े साइज का आलू लिया है, 2 सीटी लगा के उबाल लिया है, और इसको हम मोटे वाले से कद्दूकस कर लेंगे, और इसको चलाएंगे थोड़ा। और उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम आधा इसमें नींबू निचोड़ देंगे, नींबू से बहुत ही चटपटा स्वाद आता है, और इसको 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे भूना है। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला भून के तैयार हो गया। गैस को बंद करेंगे, इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम चलते हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं ब्रेड के ऊपर कोटिंग करने के लिए। ये 2 हमारे बड़े साइज के आलू है, इसको हमने छील के पानी में रख दिया था ताकि काला ना हो, और आधा गाजर लिया है। तो इन दोनों को हम कद्दूकस कर लेंगे, और कद्दूकस हमने मीडियम वाले से किया है। देखिए ये हमारा सारा कद्दूकस हो चुका है। अब हम इसको 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। अब चलिए गाजर को कद्दूकस कर लेंगे, तो हम इसी में कर लेते हैं क्योंकि हमें मिलाना ही है ना, तो इसी में कद्दूकस कर लेंगे सारा, और इसको भी हम मीडियम वाले से ही करेंगे। तो देखिए सारा हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, ये छोटा पड़ रहा था, तो चलिए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, और आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा हम 2-3 पिंच के करीब हींग डाल देंगे, और ये जो आधा हमारा बचा हुआ प्याज था बारीक कटा वो डाल देंगे, और 2 हरी मिर्च, और ये थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद ये हमारा 2 कली लहसुन है, ये हमारे बड़े साइज का है, अगर आप मीडियम साइज का ले रहे हैं तो 4 ले सकते हैं, और इसको भी हम कद्दूकस करके डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और ये हमने आधा कप बेसन लिया है, डाल देंगे पूरा। और आप चाहें तो बेसन के जगह पे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। और अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो ये देखिए हमने मिला दिया है, थोड़ा सा हमें ज़रूरत लग रहा है तो डाल देंगे 2-2.5 चम्मच के करीब, और अच्छे से इसको भी मिला देंगे। तो ये हमारा कोटिंग तैयार हो गया, और इसको हम साइड करेंगे। और चलिए अब हम ब्रेड का किनारा काट के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 7-8 ब्रेड लिया है, इसका सारा चारों तरफ से किनारा काट के निकाल देंगे। देखिए ऐसे ही सारा काटते जाएंगे, तब हम काट लेंगे, और उस और ये जो बचा हुआ है ना, तो इसको आप ब्रेड क्रम बना सकते हैं, या फिर ऐसे पोहा भी बना सकते हैं, इसका पोहा भी अच्छा लगता है। तो देखिए ये हमारा जो आलू का मसाला था वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ऐसे रोल बनाएंगे छोटा छोटा, देखिए ऐसे हाथों से रोल बना लेंगे सारा, और उतना बड़ा बनाएंगे जो कि हमारे ब्रेड में फिट हो जाए। तो देखिए इसी साइज का हम सारा बना के तैयार कर लेंगे, तो ऐसे ही हम सारा बनाते जाएंगे, और ज़्यादा हमने मोटा नहीं बनाया है, पतला पतला ही बनाया है, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा कर देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा सारा रोल बन के तैयार हो गया। अब हम एक ब्रेड लेंगे और इसको बेलेंगे, तो अच्छे से हम बेलेंगे इसको, बेल के पतला करेंगे ताकि हमें रोल बनाने में आसानी हो। तो देखिए ऐसे हम अच्छे से प्रेस करते हुए बेलेंगे, दबाते हुए, ताकि बढ़िया से बेल जाए। तो ये देखिए हमारा बेल के तैयार हो गया है।
ऐसे ही हम सारा ब्रेड को बेल के तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा सारा बेल के तैयार हो गया। अब हम एक ब्रेड को लेंगे और इस पे हम हरी चटनी लगाएंगे। तो चटनी में हमने टमाटर, हरा धनिया, मिर्ची, लहसुन और नमक डाल के पीसा था, तो इस पे चारों तरफ बढ़िया से लगा देंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे सबका फेवरेट चीज़, जितना आपको पसंद है लगा सकते हैं इसमें। और उसके बाद हम वो जो आलू का रोल बनाया था ना वो डाल देंगे और ऐसे पकड़ते हुए बढ़िया से इसको टाइटली रोल कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक रोल तैयार हो गया। अब हम इसके किनारे पे थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि बढ़िया से चिपक जाए। इधर भी लगा देंगे अच्छे से और इसको ऐसे पकड़ के दबा के चिपका देंगे। ये देखिए ये चिपक गया, ये हमारा रोल बन के तैयार हो गया। अब चलिए एक और बना लेते हैं। तो इस पे भी हम हरी चटनी लगाएंगे चारों तरफ और इस पे थोड़ा हम लगा देंगे सेजवान सॉस, ये और भी टेस्टी लगेगा। और आप चाहें तो टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं और आपको जो चटनी पसंद हो ना वो यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिर ये रोल आलू का रोल रख के और ऐसे पकड़ते हुए हम बढ़िया से टाइटली रोल कर लेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे किनारों पे ताकि अच्छे से चिपक जाए और इधर भी ऐसे दबा के चिपका देंगे पानी लगा के। तो देखिए आप चाहें तो ये जो रोल बना के रखे हैं ना वैसे भी तल सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, कुरकुरा बनता है। और मैं तो इस पर कोटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम इसको कोटिंग करेंगे। आलू और गाजर का बनाया था ना कोटिंग, इसके ऊपर हम ऐसे लगा लेंगे। देखिए चारों तरफ बढ़िया से लगा देंगे, ऐसे चारों तरफ से हम कवर कर देंगे इसको और उसके बाद हम ऐसे दबाते हुए थोड़ा चिपका देंगे। ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी से देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तल के तो और मज़ा आने वाला है। तो ऐसे ही हम सारा कोटिंग कर लेते हैं रोल के ऊपर। तो चलिए देखिए ये हमारा सारा कोटिंग हो चुका है। अब हम गैस के पास चलते हैं इसको फ्राई करने। ये देखिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अब हम इसको गर्म करेंगे हाई फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए। और ये हमारा रिफाइन ऑयल है। तो ये देखिए गर्म हो चुका है, अब हम एक रोल उठाएंगे और इसमें ध्यान से डालेंगे और उसके बाद ये दूसरा रोल डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा चला के पलट लेंगे और उसके बाद एक इधर और हम डालेंगे। ये हमारा इधर जगह है तो एक डाल देते हैं। तो इसको अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पे हमने आंच को मीडियम कर दिया है, पहले हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे तल रहे हैं। तो ये देखिए हमारा तल के तैयार हो गया। इसको तलने में हमें 4-5 मिनट लगा है और ये अच्छे से तल के तैयार हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी का जो है सारा तल के तैयार कर लेंगे। देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में, वाह मन कर रहा है कि अभी खा ले। तो लीजिए हमारा ब्रेड रोल तैयार है जो आपको भुला देगा समोसे और पकोड़े। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, जितना देखने में अच्छा है उतना ही स्वाद में भी बहुत कमाल का है। इसको बच्चे बड़े सब मांग मांग के खाएंगे, तो एक बार इसको आप जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए चारों तरफ से कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको तोड़ के दिखाएंगे, देखिए अंदर का फीलिंग और चीज, वाव, ये देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मस्त बना हुआ है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोगों का कमेंट और सपोर्ट हमारा हिम्मत बढ़ाता है। तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए।